गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। आज की वीडियो में एक एम कैफीन के न्यूली लॉन्च सनस्क्रीन लोशन के बारे में आपको बताने वाली हूँ। इनका अभी सनस्क्रीन लोशन लॉन्च हुआ और पाउडर सनस्क्रीन लॉन्च हुआ। पाउडर सनस्क्रीन का मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ, आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। पाउडर सनस्क्रीन काफ़ी अच्छा है, पर एक होता है ना यार, जब पाउडर फॉर्म में सनस्क्रीन लगाओ और हमेशा से आप लोशन या क्रीम फॉर्म में लगाते आ रहे हो तो आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। इसलिए मैंने सोचा ये भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आप जब लोशन फॉर्म में कोई चीज़ लगाते हो तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है और मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाने की भी अलग से कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा लेयर करना अपने स्किन पर अच्छा नहीं लगता तो उनको लोशन फॉर्म में या क्रीम फॉर्म में पसंद आते हैं, जैसे कि मुझे। कैफीन का कॉफ़ी सनस्क्रीन लोशन जो कि SPF 50 PA++++ के साथ है, UVA UVB रे से आपको प्रोटेक्ट करेगा आपके स्किन को और सन से जो भी डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। वाटर असिस्टेंट है, नॉन कॉमेडोजेनिक ये सनस्क्रीन है। तो ये कुछ ऐसी पैकेजिंग में आता है, 50 ml का पैक है। प्राइस की बात करूँ 449 है, जो कि इजीली ऑनलाइन मिल जाता है। और ये है एम कैफीन नेक्ड एंड रॉ कॉफ़ी सनस्क्रीन SPF 50 PA++++। इसमें एक 30 SPF के साथ भी आता है, तो 50 वाला जो है वो आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अगर आपको बाहर ज़्यादा रहना पड़ता है तब आप ये यूज़ किए करें, अदरवाइज़ अगर घर पर रहते हो तो आप 30 वाला भी, और थोड़ा बहुत बाहर जाते हो तो 30 SPF वाला आप यूज़ कर सकते हो। 2 ईयर्स इसकी सेल्फ लाइफ है, तो उसके अंदर आपको इसको ख़त्म करना है। इसके की इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसमें कॉफ़ी है जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ होता है, इन्फ्लेमेशन को, रेडनेस को कम करता है। कैफीन है, यूवी रे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और लंबे टाइम के लिए आपको सन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रो विटामिन B5 शिया बटर है जो कि आपकी स्किन को नरिश करता है, लाइट वेट मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है। हाइलोरोनिक एसिड है, विटामिन B3 है जो कि आपकी स्किन पर से ऑयल को कंट्रोल करते हैं, नॉन स्टिकी हाइड्रेशन नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके टेक्सचर की बात करूँ ना तो ये लोशन फॉर्म में मुझे नहीं लगा, क्रीमी है ये और लाइट वेटेड बिल्कुल नहीं है। तो मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे इसको लगाने के बाद थोड़ा सा ऑयली भी लगा, नॉन स्टिकी है, थोड़ा सा ग्रीसी है। तो ऑयली स्किन है तो इसको ना यूज़ करें। अगर आपकी ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, तब आप इसको यूज़ करो। ऑयली स्किन पर उतने अच्छे से मुझे नहीं लगा कि ये काम करता है। ये सनस्क्रीन वाइट का बिल्कुल भी नहीं करता है। और लगाने का तरीका ये है कि आप धूप में जाने के 15-20 मिनट पहले इसको अपने फेस को वॉश करके इसको आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मॉइस्चराइज़र के साथ भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तब आप इसके साथ मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो, पर अगर आपकी ऑयली स्किन है तब आप इसके साथ मॉइस्चराइज़र बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, और बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तब तो इसको यूज़ ही नहीं करना। एक्ने प्रोन स्किन है, बिल्कुल इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ ऐसे सनस्क्रीन के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जो एक्ने प्रोन स्किन के लिए होते हैं, पर इस सनस्क्रीन को अगर आप लगाओगे तो आपका चेहरा एक्ने जो है वो और भी बढ़ सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ड्राई स्किन वाले ही इसको यूज़ करें, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा क्रीमी लगा, इसका टेक्सचर जो है वो क्रीमी लगा और लाइट वेटेड नहीं लगा, तो मुझे मेरे स्किन पे इसको लगाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इनका जो पाउडर सनस्क्रीन है ना वो यूज़ करना, वो बहुत अच्छे से काम करता है, काफ़ी अच्छा है ऑयली स्किन के लिए। तो ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है तब इसको यूज़ करो, ऑयली स्किन है तब आप जो पाउडर सनस्क्रीन है वो यूज़ कीजिए। दोनों जो सनस्क्रीन है उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से इनको परचेज भी कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।